बदायूं में खेत से मिट्टी की खुदाई करने गई चार महिलाएं डांग में दब गए। वहीं गांव वालों ने बमुश्किल मिट्टी खोदकर चारों को बाहर निकाला, लेकिन अब तक दो की मौत हो चुकी थी। वहीं दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को बिसौली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। दरअसल हादसा बिसौली कोतवाली इलाके के सलेमपुर गांव का। यहां रहने वाली चार महिला गांव के बाहरी इलाके में मिट्टी खोदने निकली थी। बताया जा रहा है कि चारों महिलाएं मिट्टी खोद रही थी और काफ़ी गहराई में जा पहुंची थी। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी की डांग उन पर मौत बनकर गिरी और चारों उसमें दब गए। वहीं आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंच गए और जमीन खोदकर चारों को बाहर निकाला। जब तक महिलाओं को बाहर निकाला जाता तब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी थी। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के ग्राम सलेमपुर की आज ये घटना है, जिसमें ग्राम सलेमपुर की कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने पास के जंगल में गई थी और जहां पर अचानक से ढाई गिर जाने की वजह से चार महिलाएं उसमें नीचे दब गईं, और जिनमें दो महिलाएं जिनके नाम क्रमशः प्रवेश पत्नी महावीर जिनकी उम्र 38 वर्ष है व पूनम पत्नी प्रमोद जिनकी उम्र 35 वर्ष है, इनकी जब इनको बाहर निकाला गया तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके साथ दो अन्य एक महिला और एक बच्ची जिनका नाम हरदेवी पत्नी अमर सिंह है जो 42 वर्षीय है और एक संगीता पुत्री मोरपाल जो 20 वर्ष की युवती है, इन दोनों को पास के एक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया जहां से इनको बरेली हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।